नमस्कार, मैं मनोज कुमार DLED द्वितीय सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट चल रहा है SST में बर्धन वंश इतिहास का जो क्वेश्चन है बर्धन वंश, हम आज आपको ये शुरू करेंगे। अभी तक हमने आपका मौर्य साम्राज्य के शासक, मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चाएं थी, प्रशासन था, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, ये हमने आपको बताया। उसके पश्चात कई छोटे छोटे और भी राजवंश हुए। राजवंशों में देखा जाए मौर्य उत्तर काल के बाद जो महत्वपूर्ण वंश आता है आपके सिलेबस में वो है बर्धन वंश। देखा जाए तो बर्धन वंश की जो स्थापना है या बर्धन वंश का जो आदि पुरुष माना जाता है वो उस भूति वैश्य को माना जाता है। बर्धन के बारे में ये चर्चा देखने को मिलती है कि बर्धन कौन थे, किस वंश के थे, किस जाति के थे। तो कुछ पुस्तकें हैं जिसमें आर्य मंज श्री मूल कल्प में बर्धनों को वैश्य जाति का बताया गया है। एक पुस्तक है आर्य मंज श्री मूल कल्प जिसमें बर्धनों को वैश्य जाति का बताया गया है। इसके अतिरिक्त हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनस्यांग भारत आया था और वो भी बर्धनों को वैश्य जाति से ही संबोधित करता है। अधिकांश विद्वान बर्धनों के बारे में वैश्य जाति को ही वैधता बताते हैं। यह उनका मानना है जो बर्धन लोग थे वैश्य जाति के ही थे। इसी प्रकार हर्षवर्धन के समय में बाणभट्ट ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था हर्षचरित्र। हर्षचरित्र में भी बर्धन वंश के जो शासक हैं उनको वैश्य माना गया है। उस बुद्ध को बर्धन वंश का आदि पुरुष माना गया है और ये बताया गया है कि वह थानेश्वर में राज्य करता था। इसके अलावा खेड़ा और मधुबन दो ऐसे स्थान हैं जहाँ से ताम्र पत्र मिले हैं, ताम्र शिलालेख मिले हैं और इन ताम्र शिलालेखों में बर्धन वंश की जो वंशावली है उसमें बर्धन वंश के चार राजाओं का उल्लेख मिलता है। वो कौन कौन से राजा हैं, इसमें नंबर एक है नरवर्धन, उसके बाद आपका राज्यवर्धन, उसके बाद आदित्यवर्धन और उसके बाद प्रभाकरवर्धन। जो बाणभट्ट की जो हर्षचरित्र है, हर्षचरित्र में मतलब चार राजाओं का उल्लेख किया गया है। जो वंशावली है मधुबन और खेड़ा से जो ताम्रपत्र या तांबे के पत्ते पर जो लिखे हुए लेख मिले हैं इनको ताम्रपत्र कहा जाता है। वो बर्धन वंश के शासकों की जो वंशावली है उसमें चार प्रमुख राजाओं का उल्लेख करते हैं। उसमें आपके प्रमुख राजाओं में नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन। इनमें प्रभाकरवर्धन इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ जिसने महाराजा धीराज और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की। प्रभाकरवर्धन इस वंश का वास्तविक देखा जाए संस्थापक था जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण की। इसके दो पुत्र और एक पुत्री थी। दो पुत्र कौन कौन से, एक पुत्र राजवर्धन और एक पुत्र हर्षवर्धन और एक उसकी पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। राज्यवर्धन का जन्म 586 ईस्वी में, हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में और राजश्री का जन्म 592 ईस्वी में हुआ था। 605 ईस्वी में राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी नरेश गृह वर्मा के साथ कर दिया गया। उसी वर्ष राजवर्धन ने गुड़ों को परास्त करने के लिए उन पर आक्रमण किया, परंतु पिता की अचानक मृत्यु होने के कारण सिंहासन खाली न रह जाए इसके लिए उसे शीघ्र ही थानेश्वर वापस लौटना पड़ा। परंतु राज्याभिषेक होने से पहले राज्यवर्धन को यह सूचना मिली कि उसके बहनोई गृह वर्मा को मालवा के राजा देवदूत ने मार डाला है, जो संभवतः महासेन गुप्त का ही ज्येष्ठ पुत्र था। साथ ही उसको यह भी सूचना मिली कि
देवगुप्त का ही एक मित्र जो बंगाल का शासक नरेश, जिसको शशांक के नाम से जाना जाता है, शशांक ने उसकी बहन राजश्री को बंदी बना लिया है। मतलब जब उसने हूणों पर आक्रमण किया, हूणों को परास्त किया, राजवर्धन जब वापस लौटने हूणों के साथ युद्ध में व्यस्त था, उसी समय उसे ये ज्ञात हुआ कि उसके पिता की तबीयत खराब है। अब पिता की तबीयत खराब है, अचानक उसे पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात उन्हें अपनी राजधानी की ओर चला ताकि सिंहासन कहीं खाली न रहे। लेकिन रास्ते में उसे सूचना मिली कि उसके जो बहनोई हैं गिरह वर्मा, उसको देवगुप्त नामक शासक ने बंदी बना लिया है, तथा देवगुप्त का एक मित्र जिसको शशांक के नाम से जाना जाता है, जो बंगाल का शशांक शासक है, उसने राजश्री को बंदी बना लिया है। राजवर्धन ने तुरंत मालवा पर आक्रमण किया और देवगुप्त को पराजित किया, परंतु स्वयं शशांक के द्वारा मारा गया। राजवर्धन बड़ा बहादुरी के साथ आगे बढ़ा और उसने अपने बहन और बहनोई की रक्षा के लिए उसने मालवा पर आक्रमण कर दिया और उसने देवगुप्त को पराजित कर दिया। लेकिन इसी बीच देवगुप्त और शशांक के मिलीभगत के कारण या षड्यंत्र के कारण राजवर्धन को वीरगति प्राप्त होती है, अर्थात राजवर्धन मारा जाता है। इस प्रकार मालवा के गुप्त वंशीय राजा तथा बंगाल के स्वतंत्र राजा ने मिलकर वर्धन साम्राज्य के लिए संकट खड़ा कर दिया। मालवा का गुप्त वंशी शासक देवगुप्त और बंगाल का स्वतंत्र शासक जिसका नाम था शशांक, इन सब ने मिलकर हर्षवर्धन या मतलब कह सकते हो वर्धन वंश के लिए उस समय संकटकालीन स्थिति खड़ी कर दी। क्योंकि एक तरफ तो जो प्रभाकर वर्धन थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, दूसरा साम्राज्य पर हूणों का संकट पड़ रहा था, तीसरा इन्होंने बहन और बहनोई जो इनके थे उनको बहन को बंदी बना लिया और बहनोई को मार डाला। तो ऐसी स्थिति में वर्धन वंश के लिए संकट वाली स्थिति थी और राजवर्धन ने जब आक्रमण किया तो राजवर्धन भी इनका शिकार हो गया। अब ऐसे समय में सिर्फ एक व्यक्ति बचा जिसका नाम हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन को आगे आना पड़ा। हर्षवर्धन का अगर बात करें तो हर्षवर्धन का जो समय है वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी का समय माना जाता है। हर्षवर्धन के तत्काल पूर्व जो राजनीतिक घटनाएं हुई उस पर हर्ष पर उनका पर्याप्त मानसिक बोझ था। हर्षचरित के अनुसार हर्षवर्धन राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात उसे सूचना मिली, उसने पहले यह प्रतिज्ञा की। कुछ ही दिनों में हर्ष ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं धरती को गौड़ विहीन कर दूंगा, अर्थात शशांक शासक उसको उससे बदला लेने के लिए हर्ष ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं कुछ ही समय में धरती को अर्थात पृथ्वी पर से जितने भी गौड़ हैं सबको नष्ट कर दूंगा, सबको समाप्त कर दूंगा, अन्यथा अपने पापी शरीर को अग्नि में झोंक दूंगा। अगर ऐसा नहीं कर सका तो जो हमारा शरीर है उसको अग्नि में झोंक दूंगा, अर्थात आत्मदाह कर लूंगा। निश्चय ही उसके हृदय में प्रक्षोभ की तीव्र अग्नि प्रज्वलित थी। साथ ही उसने कन्नौज की समस्या का भी हल ढूंढना था, क्योंकि कन्नौज में भी जो उसके बहनोई थे गिरह वर्मा वो मार दिए गए, बहन को बंदी बना लिया गया, तो कन्नौज में भी सिंहासन खाली था। तो ऐसे समय में जो कोई दुश्मन था या दुश्मन चाहे तो कन्नौज पर आक्रमण कर सकता था, तो उसने कन्नौज की समस्या को भी ढूंढना था। उस समय उसकी दो समस्याएं प्रबल थी, राजश्री को खोज कर शशांक से बदला लेना, दूसरा कन्नौज के उत्तराधिकारी के प्रश्न को हल करना। पहला दो समस्याओं में अपनी बहन को ढूंढना था अर्थात राजश्री को ढूंढना था, और उसके साथ ही साथ शशांक से भी बदला लेना था जो गौड़ शासक था जिसने उसके भाई की हत्या कर दी थी। इसके अलावा कन्नौज उस समय कन्नौज का जो सिंहासन था जहाँ उसका बहनोई गिरह वर्मा शासन किया करता था, उस समय कन्नौज का सिंहासन रिक्त हो चुका था, तो कन्नौज के सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी भी उसे ढूंढना था। जिस समय हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा वह केवल 16 वर्ष की आयु का था। राज्यारोहण के पश्चात वह पहले राजश्री को छुड़ाने के लिए कन्नौज गया, वहां पता चला कि वह पहले से ही वहां से कारागार से मुक्त हो चुकी है। मतलब राजश्री कारागार से पहले ही जा चुकी थी।
अनेक प्रदेशी वनों और मनुष्यों की सहायता से वह उसे वन में मिली जो आत्महत्या करने के लिए आग में कूदने ही जा रही थी। राजश्री अपने परेशानियों से जूझकर और आत्महत्या करने ही वाली थी। ऐसे समय में हर्षवर्धन ने उसको खोज लिया, उसको हर्ष ने बचा लिया तथा कन्नौज को ले आया, जहाँ गृह वर्मा के मंत्रियों ने कन्नौज का राज्य उसके सुपर्द कर दिया। अब हर्ष का जो साम्राज्य था, अब थानेश्वर में रहकर थानेश्वर और कन्नौज दोनों हो चुका था। हर्ष के राज्य में थानेश्वर तथा कन्नौज दोनों ही थे। 606 ईस्वी वाला हर्ष का संबंध उसके सिंहासन पर बैठने की तिथि है। 1606 ईस्वी में संबंध चलाया, जिसे हर्ष संबंध के नाम से जाना जाता है। ये जो संबंध है वो हर्षवर्धन के सिंहासन पर बैठने की तिथि को भी प्रदर्शित करता है। अर्थात 606 संबंध या हर्ष संबंध या हर्ष सिंहासन पर किस समय बैठा, तो 606 ईस्वी में हर्ष सिंहासन पर बैठा। हर्ष के कुछ विजय अभियान जिसमें निम्नलिखित हैं, महत्वपूर्ण नहीं है ज़्यादा, उसमें अगर देखें तो ये सौराष्ट्र के ध्रुवसेन के साथ युद्ध है। वहाँ ध्रुवसेन एक शासक था, उसके साथ युद्ध हुआ और उसको अंततः ध्रुवसेन को उसने पराजित किया, लेकिन ध्रुवसेन का राज्य उसको वापस कर दिया। उत्तर भारत के अन्य राज्यों की विजय, सौराष्ट्र में पल्लवी के अतिरिक्त हर्ष ने उत्तर भारत के अन्य राज्यों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसने 5 गौड़ शासकों अर्थात गौड़ों के प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। परंतु इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर भारत के 5 मंडलों अर्थात 5 भारतों पर हर्ष का आधिपत्य उस समय था। बंगाल के शशांक शासक के साथ युद्ध। बंगाल का शशांक शासक हर्ष का परम शत्रु था। उसने हर्ष के बड़े भाई की छल से हत्या कर दी थी, परंतु दुर्भाग्यवश इस संबंध में ठीक से जानकारी नहीं मिलती। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में हर्ष को शशांक पर विजय नहीं मिल सकी। अपने राजत्व के अंतिम शासन काल में, मतलब ऐसा था कि जब गद्दी पर बैठा तो उसने सौराष्ट्रों के साथ पल्लवी पर विजय प्राप्त की, 5 गौड़ प्रदेशों पर भी विजय प्राप्त की, लेकिन उसका जो सबसे प्रबल शत्रु था, जो शशांक था गौड़ शासक, उसके साथ युद्ध चलता रहा। और ऐसा माना जाता है कि छुटपुट युद्धों में प्रारंभ में उसको शशांक के विरुद्ध सफलता प्राप्त नहीं हो सकी, लेकिन राजत्व के अंतिम चरण में वह बंगाल के शासक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सका। अर्थात अंतिम समय में या कुछ समय शासन के रहने से पहले ही उसने शासक पर भी आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण घटना ये भी है कि दक्षिण के पुलकेशन द्वितीय से युद्ध। दक्षिण में एक शक्तिशाली शासक था, उस समय उत्तरी भारत पर आक्रमण करने के उपरांत हर्ष का ध्यान दक्षिण भारत की ओर भी गया। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का प्रतापी शासक पुलकेशन द्वितीय था, जिसके साथ हर्ष का युद्ध हुआ। पुलकेशन एक शक्तिशाली शासक था, दोनों के मध्य युद्ध हुआ, परंतु हर्ष पुलकेशन को पराजित न कर सका, या दूसरे शब्दों में कहें पुलकेशन द्वितीय से हर्ष पराजित हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय वर्धन वंश का अगर कोई सबसे अच्छा और प्रतापी शासक अगर माना जाएगा तो हर्षवर्धन को ही माना जाता है। हर्ष के साम्राज्य की जो सीमा थी उसके अंतर्गत 5 प्रदेश आते थे, जैसे सारस्वत मंडल जो कश्मीर और पंजाब के अंतर्गत आता था, नंबर 2 गौड़ का जो प्रदेश था दिल्ली और निकटवर्ती प्रदेश, कान्यकुब्ज संपूर्ण उत्तर प्रदेश विंध्य तथा बिहार तक का जो प्रदेश था कान्यकुब्ज के नाम से जाना जाता था, पूर्वोत्तर में मिथिला बिहार बंगाल और असम का क्षेत्र हर्ष के साम्राज्य के अंतर्गत आता था, उत्कल इस समय उड़ीसा और कलिंग के आसपास का जो क्षेत्र था उत्कल के नाम से जाना जाता था। तो ये हमने आपको बंगाल वंश के बारे में बताया कि कुछ पुस्तकों से आदिवंश श्री मूलकल से हमें जानकारी मिलती है। हेनश्यान भी हमें यह जानकारी देते हैं कि हर्ष वैश्य जाति से वर्धन वंश के लोग जो थे वो वैश्य जाति से संबंधित थे। इसके अलावा तो ताम्रपत्र लेख मिले हैं,
जिसमें बांसखेड़ा और मधुबन के लेख हैं, हर्षचरित की बाणभट्ट की हर्षचरित है। इन तथ्यों से हमें ज्ञात होता है कि जो बर्धन वंश के जो लोग थे वो वैश्य जाति से संबंधित थे। इसके अलावा वैश्य बर्धन वंश का आदि पुरुष उस विभूति को माना जाता है। बाणभट्ट के जो हर्षचरित रचना है उसमें बर्धन वंश के राजाओं की जो वंशावली है उसमें चार प्रमुख राजा हैं, जिसमें आपके नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन पहला शासक है जो एक प्रतापी शासक के रूप में जाना जाएगा इस वंश का। प्रभाकर वर्धन के तीन संतानें थीं, इसमें राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री का विवाह मौखरी शासक कन्नौज जो उस समय गृह वर्मा के साथ कर दिया गया। और इसी समय राजवर्धन जो प्रभाकर वर्धन का बड़ा लड़का था हूणों को साथ युद्ध में लिया हुआ था, हूणों को परास्त किया, लेकिन उसे सूचना मिली कि उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई तो सिंहासन रिक्त होने की वजह से वह वापस आ ही रहा था। तो उसे रास्ते में ये सूचना मिली तो उसके बहनोई गृह वर्मा की शासक मालवा का एक शासक जिसका नाम देवगुप्त है उसने हत्या कर दी। और उसी का एक मित्र जिसका नाम शशांक है जो गौड़ शासक है उसने राजश्री को बंदी बना लिया। तो ऐसी स्थिति में राजवर्धन गया और राजवर्धन ने देवगुप्त को पराजित किया, लेकिन राजश्री को छुड़ाने के चक्कर में यह शशांक के षड्यंत्र का शिकार हो गया और मारा गया। ऐसे समय में उसका छोटा भाई हर्षवर्धन था जो 16 वर्ष का था और 16 वर्ष की आयु में केवल गद्दी पर बैठा और उसने प्रतिज्ञा ली कि मैं कुछ ही समय में इस धरती को गौरवहीन कर दूंगा, नहीं तो अपने शरीर को अग्नि में दाह कर दूंगा। इसके पश्चात उसके सामने तो मैंने बताया दो सबसे बड़ी समस्याएं थी। एक तो ये जो गृह वर्मा का शासन जहाँ कन्नौज था, कन्नौज की राजगद्दी खाली थी, उसके लिए उत्तराधिकारी ढूंढना। दूसरा, राजश्री को खोजकर और गौड़ शासक शशांक को दंड देना। इसने ऐसा ही किया और ऐसे समय में उसने अपने एक मित्र था उसका जिसकी सहायता से दिवाकर की सहायता से राजश्री को खोजा जो वन में प्राप्त हुई थी आत्मदाह करने ही वाली थी। राजश्री को वो कन्नौज ले आया। कन्नौज के मंत्रियों ने जो मंत्रिमंडल था वो कन्नौज का राज्य भी हर्षवर्धन को सुपुर्द कर दिया। 606 ईस्वी का समय मैंने बताया, हर्ष संवत के नाम से जाना जाता है, अर्थात ऐसा समय हर्षवर्धन के गद्दी पर बैठने का समय रहा होगा। इसके पश्चात उसने कुछ विजय अभियान किए जिसमें राष्ट्रकूट, ध्रुवसेन और वल्लभी के शासकों को पराजित किया। इसके साथ ही उसने गौड़ शासक शशांक को भी अंतिम रूप से पराजित कर दिया। शशांक के पश्चात दक्षिण भारत की ओर उसने देखा। दक्षिण भारत में उस समय चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय था। पुलकेशन द्वितीय से वह पराजित हो गया। पराजित होने के पश्चात उसने अपने साम्राज्य को संभाला। धर्म दर्शन के बारे में भी ये कहा जाता है कि हर्षवर्धन बहुत ही दयालु और दान प्रवृत्ति का व्यक्ति था, न्यायप्रिय व्यक्ति था। तो इस प्रकार से हर्षवर्धन के जो साम्राज्य की जो सीमाएं थी कश्मीर में पंजाब और कश्मीर से लेकर दक्षिण में देखा जाए नर्मदा ताप्ती नदी तक, बंगाल तक, इधर आपका सौराष्ट्र तक का जो प्रदेश था वर्धन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ये आपका हमें ये मैन जो हर्षवर्धन या वर्धन वंश की जानकारी है इसके बारे में हमने आपको बताया। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपको हम हर्षवर्धन का शासन प्रबंध और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हर्षवर्धन के बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।